कार कुकिंग विद नीरू में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी डिलीशियस खट्टी मीठी स्वाद वाली छोले की चाट, व्हाइट चिक पीस का सैलेड भी इसको बोल सकते हैं। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट तो है ही और साथ में बहुत हेल्दी भी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक के रूप में, या अपने लंच और डिनर में एक के साथ के रूप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं छोले की चाट। छोले चाट बनाने के लिए एक बड़ी कटोरी सफेद चने, जो कि काबुली चने होते हैं, इनको मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी में धोकर ओवरनाइट सोक करने रख दिया था। और अभी अच्छी तरह से देखिए सोक हो गए हैं। अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रखूंगी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने छोलों को ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, साथ में 1 तेजपात का पत्ता और 1 बड़ी इलायची, आधी कटोरी पानी में इसमें और ऐड कर रही हूँ, और इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। लगभग 10-12 मिनट इनको बॉईल होने में लगेगा। 2 विसिल आने के बाद मैं इसको हल्का कर दूंगी और फिर ये हल्की आंच पर पक जाएंगे, अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। इतने छोले बॉईल हो रहे हैं, इतने मैंने एक आलू को बॉईल करके रख लिया है और 1 प्याज और 1 टमाटर भी मैंने ले लिए हैं। इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा खीरा, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया भी काट कर रख लिया है। तो आइए मैं इन तीनों चीजों को भी काट लेती हूँ। छोले भी हमारे बिल्कुल बॉयल हो गए हैं, एकदम गल गए हैं। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने थोड़े से ही छोले निकाले हैं, जिनको कि मैं तैयार करूंगी चाट के रूप में। अब इसमें हम ये सभी चीजें मिलाएंगे। सबसे पहले ये बॉईल किया हुआ आलू, टमाटर, प्याज, खीरा, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, साथ में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक। नमक हमने बॉईल करते समय डाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा काला नमक इसमें हम और ऐड करेंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, जो कि पुदीने की मैंने पीस कर रखी हुई है, और खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। अब हम सब चीजों को मिक्स कर देंगे। ये सभी चीजें आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी चटपटा खट्टा मीठा आपको पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ये चाट हमारी तैयार हो जाती है इस तरह से, जिसको आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के टाइम खा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे। तो देखिए टेस्टी डिलीशियस चटपटी खट्टी मीठी स्वाद वाली छोले की चाट बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और मेरे चैनल कुकिंग विद नीरू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।